जे जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज भिडियो आपण बहुत ही खास रही। जमा भी भिडियो को मिस करूँ ना, थोड़ी आपण फायदापी भिडियो को निश्चय देखता। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष पौष मास रे सूर्यदेव मकर राशि रे गोचर करिबार दिन को मकर संक्रांतिर पर्व माना जाय थाए। हिंदू धर्म रे मकर संक्रांतिर बहुत ही बड़ महत्व रही। धार्मिक मान्यता अनुसार यही शुभ दिन रे पवित्र नदी रे स्नान करिबा और दान करिबा द्वारा सब मनस्कामना पूर्ण होय थाए। मकर संक्रांति दिन लोक माने धन सुख समृद्धि सफलता और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई केते प्रकार रो उपाय करी थांती। आज आम आपको कहिबो जे एपरी एक उपाय जहाँ को मकर संक्रांति दिन करिबा द्वारा आपण को उपरे सुख धन समृद्धि सफलता और माँ लक्ष्मी को कृपा दृष्टि सबुबले आपण को उपरे रहिबो। फ्रेंड्स, यही वर्ष सूर्यदेव 14 जनवरी राति 8:21 रे धनुराशि बाहरी मकर राशि प्रवेश करिबे एवं उदय तिथि अनुसार मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी रविवार को पालन करा जीवो। हिंदू ग्रंथ पुराण और महाभारत रे मकर संक्रांति उल्लेख मिलिथाए, जहाद्वारा ऋषि विश्वामित्रा एही उत्सव को प्रथम आरंभ करथिले। फ्रेंड्स, आज भिडियो आम जानिबा मकर संक्रांति दिन गाई को कौन खाइबा को देबा जहाद्वारा आमर आध्यात्मिक उन्नति होइथाए एवं सब प्रकार भौतिक सुख आम को प्राप्त होइथाए। एवं गाय को भूल रे भी एही तीनोटी जिनस खुआंतु नाही। घरे प्रवेश करिथाए दरिद्रता, माँ लक्ष्मी घर बाहरी जाइथांती। तो फ्रेंड्स, ये दुईटी विषय निश्चय जानिबा ता पूर्वरु भिडियो गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जे माँ लक्ष्मी और जे गोमाता निश्चय लिखंतु। फ्रेंड्स, जदि हिंदू धर्म को मानिबे तो एमिते माना जाए जे गाई रो सेवा जदि कौनसी व्यक्ति बिना स्वार्थरे करिथाए तो घरे माँ लक्ष्मीकर बास होइथाए। एमिति कि बहुत दिनरु आमे गाई को किछि ना किछि खाइबा को देइथाओ। गाई को सनातन धर्म रे लक्ष्मी स्वरूप माना जाए। कुहा जाए जे गाई रो सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी रहिथांती। जेउ घरे गाई रो सेवा बिना कौनसी स्वार्थरे करा जाइथाए तो सेही घरे माता लक्ष्मीकर कृपा सबुदिन पई रहिथाए। ओ जेउ घरे गाई रो सेवा हेउ नथाए अचानक जे कौनसी प्रकारर बाधा विघ्न आसीथाए। एमिति कि किछि लोक सहर रे भी रहिथांती, महानगर रे भी रहिथांती, तो सेठारे गाई को पालिबा संभव होइ नथाए। किंतु गाई को सही जगह रे रुटी निश्चय खाइबा को देबा उचित अटे। तो आसंतु जानिबा प्रथमे गोमाता को कौन खाइबा को देबा उचित। फ्रेंड्स, गोमाता भितरे सबु देवी देवतांको पास होइथाए। आपण जदि सकाळे रुटी बनाउथांती प्रथम रुटी जदि गाई को खाइबा को दियंती आपण को सबु देवी देवतांको आशीर्वाद मिलिथाए। गाई को गुरु नाम रे जोडा होय अछि, अर्थात देवगुरु बृहस्पति ग्रह सहित। सेथिपाई गुरुवार दिन गाई को रुटी सहित गोटे चिमुटा हलदी सहित खुआई देले आपन को सुख समृद्धि धन संपत्ति बढ़ी थाए। दुष्ट ग्रह माने शांत हो जाइथांती। जेउ लोक मानसिक रूप से चिंतित अछंती सेई व्यक्ति गाय को रुटी उपरे किछि गुड़ रखी खुआंतु। एहा द्वारा सकारात्मक ऊर्जा आसी थाए, चिंता सब दूर होइथाए, स्वास्थ्य आपनकर भल रहिथाए। जदि आपनको लागुछि आपनकर सब ग्रह खराब अछंती तो एमितरे गाय को प्रथम रुटी प्रत्येक दिन खाइबा को दियंतु। सब ग्रह धीरे धीरे शुभ होइजिबे। केबे केबे जीवन रे लंबा समय रु कोनसी शुभ मंगल काम होइ पारु नाही तो आपण गाय को रुटी खुआंतु। गाई रो मुंड को छुई आपणकर मनस्कामना कुहंतु एवं गोमाता को प्रणाम करंतु। गोमातार गोड़ को छुअंतु तो एहा द्वारा आपणक मनरे थिबा समस्त मनोकामना निश्चय पूर्ण हेबो। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति दिन विशेष रूप से गोमाता को सबुज चारा सबुज घास बिल्कुल खाइबा को दियंतु। कुहा जाए एमिति करिबा द्वारा आपणकर चंद्र दोष शुक्र दोष दूर होइथाए। जदि चंद्र और शुक्रक दोष आपण को जीवन रे लागी थाए तो आपण को धनजनित समस्या सामना करने को पड़ी थाए। धनर अभाव देखा दे थाए आपण को जीवन रे। जदि आपण एही दिन रे गाय को सबुज घास बा सबुज चारा खाइबा को दियंती तो गोमाता प्रसन्न हो जाइथांती एवं आपण को घरे धन बढ़िबा को लागी थाए। एही दिन गोमाता को खसरे तयारी होइतिबा लड्डू खुआंतु। फ्रेंड्स, शनिदेवंकर पीड़ा भी दूर हो जीव, सूर्यदेव कृपा प्राप्त हेबो एवं साक्षात नारायण आपण प्रसन्न हो जीवे। तो यापर आपण निजे स्वयं देखिबे आपण जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। तो फ्रेंड्स, जेकोसी मनोकामना हेउ जदि पांचटी खसरे तयारी होइतिबा खसा लड़ो
ଏହି ଦିନରେ ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦେବୀ ଦେବତା ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ମନୋକାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ତ ଥିଲା ଗାଈକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗାଈକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗାଈକୁ ରୁଟି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ରୁଟି ଯେପରିକି ବାସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏହିପରି ବାସି ରୁଟିକୁ ଗୋମାତାକୁ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବାସି ରୁଟି ଗୋମାତାକୁ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କଥାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ପନିପରିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ସମସ୍ତେ ତ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ସବୁଜ ଚାରା ଗାଈକୁ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଈକୁ ଯେପରିକି ଅସୁସ୍ଥ ପତ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ତଳିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଈକୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦହି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଖରାପ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ହେଉ ଭୁଲରେ ବି ଗାଈକୁ ଜମା ବି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହି 3 ଜିନିଷ ଜମା ବି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ଓ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବିଶେଷ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।